वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नवल अकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपने वेग के बारे में कुछ टॉपिक पढ़े थे, वेग किसे कहते हैं और वेग कितने प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर अपने एक समान वेग और असमान वेग को पढ़ा था। वेग की यदि डेफिनेशन देखी जाए तो किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है और ये एक सदिश राशि होती है। उसी कड़ी में आज जो अगला भाग है वेग का, वो है औसत वेग। अब पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि सर औसत वेग कब ज्ञात किया जाता है, तो एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आपके सामने किन्हीं भी दो अलग अलग जगहों पर, दो अलग अलग समय पर वेग का मान असमान आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, जब भी वेग असमान है उस स्थिति में हम हमेशा औसत वेग ज्ञात करेंगे। तो पहली बात यह आ गई कि औसत वेग हमें कब ज्ञात करना है, जब भी वेग असमान है तो हम हमेशा उस कड़ी में औसत वेग ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब औसत वेग क्या होता है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय किया गया औसत विस्थापन औसत वेग कहलाता है। लिखेंगे इसको, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय औसत वेग कहलाता है। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय औसत विस्थापन औसत वेग कहलाता है। अब सपोज कीजिए कि आपके सामने कि t1 समय में आपको विस्थापन दिया हुआ है x1 सदिश। ये क्या है, सदिश का चिन्ह है। सदिश क्या है वो अगला चैप्टर अपना वही है। यहां पर जो राशियां या वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए में दिशा की आवश्यकता होती है उनको सदिश बोलते हैं। तो सदिश के लिए क्या करेंगे, ऊपर ये तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है। और t2 समय में इसका जो विस्थापन है वो है x2। ये x1 और x2 यहां पर विस्थापन है और विस्थापन एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसके ऊपर हमने तीर का निशान लगा दिया। तो t1 समय में विस्थापन कितना तय हुआ, x1 सदिश, और t2 समय में विस्थापन तय हुआ x2 सदिश। तो औसत विस्थापन औसत वेग कितना हुआ, तो औसत वेग v एवरेज इज इक्वल टू x2 सदिश माइनस x1 सदिश अपॉन t2 माइनस t1। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया किसका, औसत वेग का। तो एक बात वापस, औसत वेग किस कड़ी में ज्ञात की जाती है, औसत वेग तभी ज्ञात किया जाएगा जब वस्तु का वेग असमान हो, ठीक है। आगे ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ताक्षणिक का वेग का मतलब क्या है, ताक्षणिक का मतलब है किसी क्षण विशेष पर, किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर जो वेग होता है उसे हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है और वो गतिशील अवस्था में, और आपको ये कहा गया है कि 5वें सेकंड पर, 5 सेकंड से पहले और 5 सेकंड के बाद नहीं, 5वें सेकंड पर एग्जैक्ट जब वो 5 सेकंड हो, उस 5 सेकंड पर वस्तु का जो वेग है उस वेग को क्या बोलेंगे, ताक्षणिक वेग कहेंगे। तो ध्यान रखना, ताक्षणिक वेग का मतलब क्या है, किसी वस्तु का क्षण विशेष पर वेग, ताक्षणिक वेग कहलाता है। और ताक्षणिक वेग v इज इक्वल टू dx/dt, ये आ गया फॉर्मूला अपने पास। तो ताक्षणिक वेग किसी वस्तु का क्षण विशेष पर वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो ये हमारे पास वेग के प्रकार हो गए। अपने पास वेग कितने प्रकार के, समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और ताक्षणिक वेग। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर, तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन लिखता हूं उसको पढ़ना समझना। यदि एक व्यक्ति
यदि एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व, 4 मीटर पूर्व, मतलब ये दिशा है अपने पास, 4 मीटर पूर्व, फिर 3 मीटर दक्षिण, फिर 3 मीटर दक्षिण, फिर 3 मीटर दक्षिण, तथा पुनः वहां से 4 मीटर पश्चिम चले, 4 मीटर पश्चिम चले, तो इस स्थिति में उसका विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन ज्ञात करें। यदि एक व्यक्ति 4 मीटर पहले पूर्व दिशा में चले, उसके बाद 3 मीटर वो चले दक्षिण दिशा में, फिर पुनः 4 मीटर पश्चिम चले, तो विस्थापन तय कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि उत्तर दिशा कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, पूर्व कहाँ है और दक्षिण कहाँ है। तो हम हल्का सा यहाँ पर बना देते हैं कि दिशा किसे लिखी जाती है। तो ये अपने पास सबसे ऊपर है उत्तर दिशा, इसके ठीक ऑपोजिट होती है अपने पास दक्षिण दिशा, ये अपने पास पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। अब ये अपना मूल बिंदु होता है ओ। अब व्यक्ति है मूल बिंदु पे खड़ा है अभी यहां पर। अब एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व दिशा में, तो पूर्व चला ये 4 मीटर, ये यहां से चला 4 मीटर, फिर 3 मीटर दक्षिण, दक्षिण का है नीचे, कितना चला 3 मीटर, फिर पुनः वहां से 4 मीटर पश्चिम, पश्चिम इस दिशा में, ये 4 मीटर चला पश्चिम, ये यहां पर। तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन क्या होता है? वस्तु की अंतिम स्थिति माइनस आरंभिक स्थिति। तो ये हमारे पास जो है ए, ये आरंभिक स्थिति है, और ये अपने पास जो बी है वो है अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति और आरंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी जो होती है ये, इसको बोलते हैं विस्थापन। और ये विस्थापन कितना होगा? 3 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, यहां पर ये 3 मीटर है, तो ये भी कितना होगा? 3 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर अपना आ जाएगा 3 मीटर। तो आंसर आ गया 3 मीटर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको आराम से देखिए, पढ़िए और करिए, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।